नमस्कार दोस्तों, आज अपन ये दो सैटेलाइट एक डिश पे लगा के देखेंगे। आप सभी एक बार जरूर देखें इसको। इसमें ये है DD-1 का और यहाँ पे कैमरा लगता है वो टाटा स्काई का है, और यहाँ लगा हुआ इससे की स्थिति ये देखो कितनी डिग्री है, जिसके बाद में 40 है, ये 50 के आसपास लगी हुई है, ये इधर बढ़ रही है, इतनी कम हो रही है। नीचे की कंडीशन देख लीजिए किस टाइप का मैंने पैकिंग बना के ये स्टैंड बनाया है, जो अपन एक साथ में तीन सेटेलाइट जो अपन यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं दो दो काम में ले रहा हूँ, इसके साथ में ये सेंटर वाला है टाटा स्काई है, ये सेंटर टाटा स्काई है, ये DD-1 की सेटेलाइट है, ये ABS की सेटेलाइट है। चालू करके दिखाता हूँ आपको कैसे चालू होती है। ये DD-1 की अपने बार यूज कर रहा हूँ मैं, लगा चालू करता हूँ, देखते हैं। देखिए सिग्नल आ रहे हैं, ये फीडर बता रहा है वो के अंदर आ रहे हैं, देखो सिग्नल कितना परसेंट है ये आप देख सकते हैं, और की कंडीशन है। ये देखो DD-1 की सेटेलाइट है, इंडियन न्यूज आ रही है, ये देखिए लोकसभा है, राज्यसभा है, DD-1 है, मोदी का है, ये DD-1 की सेटेलाइट है जो कंप्लीट ही आ रही है, सभी चैनल आ रहे हैं। एक बार आपको वापस सिग्नल दिखा दूँ, ये देखिए कंडीशन, ये आप कंप्लीट इसके सिग्नल देख लो कितना परसेंट है, सभी चैनल आ रहे हैं, ये देखो हाउसफुल है, टेस्ट है, जलवा है, स्टार स्पोर्ट, UTV राजस्थान, ये एजुकेशन चैनल है, ये सभी कंप्लीट, ये DD-1 की सेटेलाइट पे चालू हुआ, DD-1 की चल रही थी, उसके बाद में ये देखो ये ABS की सेटेलाइट लगाई मैंने। ABS पे कितने सिग्नल आ रहे हैं एक बार जांच कर लेते हैं। ABS चालू हो गया, आ रहे हैं ABS की सेटेलाइट का है, ये 30 ऑफ माइंड करके चैनल चालू है, ये 40 के आसपास इसके चैनल है ABS की, अभी सेटेलाइट पे आ रहे हैं। प्लीज़ आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें ताकि आपको अगली अपडेट आप तक आ जाए। ये आस्था भजन है, ये आस्था चैनल है, ये रिपोर्टर है, जैन जीवन TV है, ये TV अभी देखो न्यूज़ टाइम है, R+ है, धूम है, ये ABL की सेटेलाइट है, ABL 2 है, स्टारन और उनके सुपरहिट गानन के चौचे किए भूमा फेटे मृत्यु एक युवक के
হাওড়ার বাগনানের ঘটনা। सभी के देखिए आपको ये सिग्नल है। एक डिस्क पे लो एलएम भी लगा कर लो सैटेलाइट को टेस्ट किया है, इससे ज़्यादा सिग्नल भी मिलते हैं और साथ में ज़्यादा चैनल भी। साथ में और मैं आपके साथ में जल्द नई जानकारी के साथ में वापस आपके सामने जल्द आऊँगा। धन्यवाद आपको।